अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम क्लास, हाउ आर यू ऑल? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, एंड हाउ आर यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। एंड हाउ इज योर फास्टिंग गोइंग ऑन? मैम अल्हम्दुलिल्लाह गोइंग गुड। Okay, that's great. Okay, class, let's wait for 5 more minutes so that maximum students can join us, and after that we'll start our lecture, okay?
All right, class. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I don't know why students are not joining the class. I think they are not aware of the timings, although we have shared that in the group. So I don't know why students are not just attending the lectures. Anusha and Zen. Zen, are you there? Zen? Zen Asif? No, Zen is not there. Anusha? Yeah. Anusha, have you people contacted the students who were there in the list but were not attending the lecture? Ma'am, Zan ne jitne bhi list thi un sabko mail ki thi ke matlab wo group join kar le and agar unko koi issue hai to Zan se contact kar le and maine bhi list mein jitne number mere paas save the maine un sabko check kiya tha jo student extra the maine Anusha, I don't know, you are not audible, I can't hear you properly. Ma'am, can you hear me right now? Yes, it's okay now. मैम मैंने ग्रुप में लिस्ट चेक की थी और जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है मैंने उन्हें कहा था कि वो काइंडली ग्रुप लीव कर दें और बाकी जैन ने सारे स्टूडेंट लिस्ट को मेल की थी कि वो मतलब ग्रुप ज्वाइन करें एंड लेक्चर भी ज्वाइन किया करें और अगर उनको कोई भी इशू है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर हमसे किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया मैम आई एम नॉट श्योर कि उसने लिंक किया या नहीं क्योंकि उसने मुझसे लिंक लिया था बट फिर भी हमसे किसी ने किसी इशू से रिलेटेड कोई कांटेक्ट नहीं किया एज उसने मेंशन भी किया था कि वो हमसे बात कर सकते हैं लेकिन हमसे किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया ओके फाइन सो इट मींस दैट यू हैव कन्वेड योर मैसेज टू देम ओके दैट्स फाइन यस मैम बट वेयर इज ज़ैन आई कांट सी हिम हियर ओके चलिए दैट्स फाइन ओके मैम टाइमिंग भी मैं दो तीन बार ग्रुप में मेंशन कर चुकी हूं क्योंकि आई डोंट नो व्हाई हां यही ना मैं खुद भी परेशान हूं कि व्हाई आर नॉट पीपल जस्ट जॉइनिंग द क्लास और अटेंडिंग द लेक्चर्स एनीवेज दे विल मिस द लेक्चर एंड दे विल बी मार्क्ड एब्सेंट एंड डेफिनेटली दे विल बी हैविंग इश्यूज रिगार्डिंग देयर अटेंडेंस इन फ्यूचर अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम ज़ैन आपने ईमेल की थी डिड यू ईमेल द स्टूडेंट्स जी मैम मैंने हर एक को जो है ना ईमेल की थी सबको मैंने मेल कर दी थी उसमें जो है वो व्हाट्सएप लिंक भी शेयर किया था मैम वो जो आपको मैंने मेल लिख के सेंड की थी ना मैंने वो भी मेल जो है ना सबको सेंड की है नहीं नहीं आपने व्हाट्सएप का लिंक शेयर नहीं किया उनके साथ मैम किया हुआ है ज़ैन मैम आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर ज़ैन आई एम सेइंग कि आपने व्हाट्सएप का लिंक उसमें शेयर किया है ईमेल में क्लास कैन यू हियर मी एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू मैम आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस ज़ैन आई थिंक आपके माइक में इशू है उसको जरा फिक्स कर लो फिर मैं आपसे बात करती हूं ओके क्लास कैन यू सी माय स्क्रीन यस मैम यस मैम Okay, so we are going to do reading techniques. Okay, इसको जल्दी जल्दी हम करेंगे हम लोग ज्यादा टाइम इस पर नहीं लगाएंगे I am going to share how to do reading, a quick reading. You know, sometimes it happens that we people are in a rush and we don't have any time to read the whole text. And still, that text is so important and that should be read. So at that time, there is a technique. If we just follow the techniques, we will be able to grasp what is there in the text. Okay, हम बाज़ों का इतनी हम लोगों के पास time नहीं होता ना कि हम उस text को पूरा पढ़ें. तो हम इन इस technique को लेकर इस reading technique को लेकर जो दो टेक्निक्स में शेयर कर रही हूँ इस टेक्निक को लेकर हम ये कर सकते हैं कि हम आराम से ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट एंड व्हाट इज देयर इन द टेक्स्ट एंड व्हाट शुड बी लर्न इन द टेक्स्ट एंड व्हाट शुड बी अंडरस्टूड इन द टेक्स्ट ठीक है यस मैम मतलब उसमें ये जो है जी ज़ैन कैन यू हियर मी नाउ यस मैम अब आवाज आ रही है मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी पहले
चले चले बाद में बात करती हूँ, ठीक है? फॉर नाउ लेट मी जस्ट डिलीवर द लेक्चर. ओके, सो सो टुडे जस्ट आई विल जस्ट शेयर हाउ टू रीड अ टेक्स्ट. अ टेक्स्ट व्हेन यू आर इन अ रश एंड व्हेन यू वांट टू डू अ क्विक रीडिंग. जैसे होता है बाज़ औक़ात एग्जाम में वो कोर्स आपका होता है, सिलेबस आपको दिया जाता है जो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ टाइमिंग, आप शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको आप पढ़ें. तो फॉर दैट उस चीज़ को हम मेक श्योर करने के लिए कि वी हैव रेड ऑल द कॉन्टेंट एंड वी हैव गोन थ्रू ऑल द सिलेबस, वी कैन अडॉप्ट दिस टेक्निक. इस टेक्निक को अडॉप्ट करने के बाद वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड what is there in a text which is not read in details, ठीक है? और हम उसको between the lines नहीं पढ़ते. तो उसके लिए क्या technique है? Let's see. Yes, we have skimming and scanning. Okay, so first we do skimming and then we do scanning. While reading, sometimes there is no need to read the whole text. Instead, use following techniques. And first is skimming, and the second one is scanning. So, what is a skimming? How can we do a skimming? Skimming is reading a text quickly to get the general idea, to get the central idea, to understand the theme of the text. Okay, so how can we do skimming? Okay, yes, I want to do skimming, but how to do that? Skimming ki techniques aap dekhe samne, there are different techniques of skimming. The first step of skimming is reading the title. If the text is having the title, the text will tell you, text will actually display the whole idea of your text. ठीक है, जो title है ना उसमें आपका idea पूरा दिया जाता है कि what is the text about. Okay, हो सकता है the text can be about education, it can be about an article or a newspaper, or it can be about sports, about politics and many other issues. So when you read the title, you will understand that what would be there and what will you expect, what you are going to expect from that text and what is there in the text. Okay, so the first thing of skimming is reading the title. Read the title. Then the second thing is read the introduction part. As all of you know that you must have read paragraph writing and essay writing in your English 1 and 2. So you must know that where is the introduction part. Introduction is always at the start of the text. Okay, the first paragraph of the text is always the introduction part. Okay, so read the first paragraph of the text, that is the introduction. You will find your topic and main point of the essay in that particular paragraph, and you will also find some important points related to that particular topic. Okay, so must read the introduction. Then the third step is read first line of every paragraph. So now if there are so many paragraphs, for example there are 5 to 6 paragraphs or more than this, you will read the first sentence or first line of every paragraph. No need to read the whole paragraph. Once you are done reading with the first paragraph, which is the introduction part, you will read the first line of rest of the paragraphs. याद रखना है कि पैराग्राफ आपने कहाँ पे पढ़ना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के पार्ट का पैराग्राफ पढ़ना है बस, और इसके बाद जितने भी पैराग्राफ्स आएंगे उनके फर्स्ट सेंटेंस को आपने रीड करना है. रीड फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ. ओके, देन यू विल रीड द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. इफ देयर आर हेडिंग्स इन द टेक्स्ट और सब हेडिंग्स इन द टेक्स्ट, you must read the headings and subheadings, because those headings will also give you a picture of what is there in the paragraphs. Okay, then notice the pictures, charts or graphs. If there are pictures and charts or graphs in your text, then you will notice those contents, those things. Also notice the bolded or italicized or underlined words and phrases. Sometimes it happens that in a text there are several phrases and words which are made bold and which are italicized or which are underlined. Okay, so if you see any words like that or any phrase like that, just read that. Okay, isi tarah numbers bhi aate hain. Numbers bhi jab aate hain to read the numbers as well, taki aapke exam mein ek idea ho. So
here you will not read the whole text. Or yes, be mindful of the thing. If you are reading a text for your comprehension text or exam, at that time you must be having questions at the end of the text. Okay, so when you do skimming, you will not read the questions first. Okay, you will read the text first, you will skim the text first, you will not go for the questions. Okay, prior to reading the questions, you will just do skimming. ओके आपने स्किमिंग करना है क्वेश्चन से, क्वेश्चन को पढ़ने से पहले. वंस यू आर डन विद द स्किमिंग, यू विल गो फॉर द क्वेश्चंस एंड रीड द क्वेश्चंस. ओके, आर यू गेटिंग मी क्लास? यस मैम. ओके ओके, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज भी है और आप लोगों ने इसको करना भी है. ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी विजिलेंट एंड यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास. ओके, यस, सो वंस यू आर डन विद स्किमिंग, यू विल गो फॉर द क्वेश्चंस एंड रीड द क्वेश्चंस. आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, यू विल डू स्कैनिंग. Okay, so remember, skimming is always done prior to reading the questions, and scanning is always done after reading the question. Or not necessarily after reading the question. If you are looking for a specific information or a specific detail or a specific thing, you will do scanning. Scanning is selective reading when searching for a particular fact, information, or answer to a question. Difference kya hai skimming or scanning mein? Dekhiye, skimming mein aapne पूरे टेक्स्ट को एक दफा उस पर नजर दौड़ानी है. पूरे टेक्स्ट पे आप किसी खास इंफॉर्मेशन को नहीं ढूंढ रहे हैं स्किमिंग में. स्किमिंग में आपने सिर्फ टेक्स्ट को एक दफा ऊपर से लेकर नीचे तक जिस तरह से टेक्निक बताया है उसके तरीके से आपने पढ़ना है. और जो स्कैनिंग है, इन स्कैनिंग यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक फैक्ट, इंफॉर्मेशन और आंसर टू अ क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट एंड यू वॉन्ट टू सर्च अ टर्म related to the education, then you will do scanning. In scanning, you will search for a particular fact or information. Or isi tarah agar aapko koi question hai, so you will find the answer to that question. Definitely whatever is there in the question will be looked for, will be searched for. Theek hai, aap usko dekhoge us text mein. To skimming aur scanning ka fark yahi hai ki skimming mein aap regardless of the particular fact or information or answer to a question, aap pure text ko skim karte ho. But in scanning, you will look for a specific fact or kisi khas information or kisi khas answer ke liye aap स्कैनिंग करोगे. आप जितने भी बाकी चीज़ें हैं उनको आप रीड नहीं करोगे. आप एजुकेशन को ढूंढ रहे हैं तो आपने स्पेसिफिकली एजुकेशन जो वर्ड है उसके हवाले से आपने जाकर देखना है. ठीक है, सो यस, लुक फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट. सेकंड थिंग इज अवॉइड इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन. ओके, आपका जो टेक्स्ट है, देर आर सो मेनी थिंग्स इन द टेक्स्ट, सो मेनी इन्फॉर्मेशन आर देर इन द टेक्स्ट, सो मेनी फैक्ट्स आर रिवील्ड इन द टेक्स्ट, सो यू विल नॉट गो फॉर दोज फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन. यू विल नॉट जस्ट रीड और गो फॉर दोज थिंग्स. यू विल सर्च फॉर द पर्टिकुलर फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन विच यू आर लुकिंग फॉर. ओके, विच इज योर थिंग और क्वेश्चन और आंसर टू अ क्वेश्चन. ओके, तो आपने इस तरह से करके उसको देखना है. जितनी भी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यू विल अवॉइड दोज इंफॉर्मेशन. ओके, वंस द नीडेड इंफॉर्मेशन वाज फाउंड आउट, देन रीड द सेंटेंस केयरफुली. Once you find out the particular or required information or fact or answer to the question, you will read the entire sentence carefully. ठीक है, आपने पूरे सेंटेंस को केयरफुली, आपको मिल गया है फलाना पैराग्राफ नंबर 4 में आपका जो ये जो आपका आंसर था आपको मिल गया है, आपका जो कीवर्ड है, इन दिस यू विल लुक फॉर कीवर्ड्स, स्पेसिफिक टर्म्स एंड वर्ड्स, क्योंकि डेफिनेटली यू आर फाइंडिंग आंसर टू अ क्वेश्चन एंड डेफिनेटली यू आर लुकिंग फॉर अ सर्टन फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. यू विल जस्ट लुक फॉर पर्टिकुलर की टर्म्स एंड कीवर्ड्स. व्हेन यू फाइंड आउट द कीवर्ड, देन यू विल स्टॉप एंड रीड द होल सेंटेंस टू मेक श्योर इफ दैट सेंटेंस इज आंसर टू your question or if that sentence is what is needed or required. Okay, so scanning is doing a selective reading, and scanning is looking for a particular fact, information, and answer to a question.
Yes, class, any question related to skimming and scanning? Because I'm going to do the exercise, I'm going to conduct the activity now. I'm going to do some practice in the class right now. Let me know if you have any question. And class, yes, I want you to be attentive and I want you to be careful in the class. And I want you to answer in the class because we are having exercise, we are having activity right now. So I want all of you to participate in the activity. If you do not participate, definitely I will mark you absent. Yes, class. Yes, ma'am. Any yes, question? Ma'am. No, ma'am. No, no questions? Ma'am. Okay, class. So I have shared two screenshots of your book that is English for Undergraduates. If you're having the book, you can open the book. Aapke paas book maujood hai? English for Undergraduates? No, ma'am. No, no, ma'am. Graduates. No, ma'am. I am aware of the fact that you people are not allowed to visit university. That's why I'm not saying anything. I have shared the pictures of the units, unit number one. And Zen and Anushe must have shared that in the group. You must be having that right now with you. Aap group mein hai na sab log? Ab jaye aur jaake group mein se usko open kar lein. Yes, class? Yes, ma'am. Open kar liya? ओके सबसे पहले आपने यू विल ओपन द यूनिट रेलवे रोड ट्रैफिक नाइट में रेजिडेंट से स्टॉप ओके आपके पास आ गया ना वो यूनिट यस मैम पास ओके ओके व्हाट यू विल डू इज यू विल स्किम द यूनिट आपने स्किमिंग करनी है यू विल नॉट स्कैन यू विल स्किम द यूनिट स्किम को मैंने बताया था हियर आर द टेक्निक्स फॉर स्किमिंग यू कैन सी रीड द टाइटल रीड द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ रीड द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स एंड देन नोटिस द पिक्चर्स चार्ट्स और ग्राफ्स इफ दैट इज एप्लीकेबल एंड नोटिस द बोल्डेड और इटैलिसाइज्ड और अंडरलाइंड वर्ड्स एंड फ्रेजेस ओके आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर स्किमिंग द टेक्स्ट ओके वो जो आपके पास रेलवे रोड ट्रैफिक नाइट में रेजिडेंट से स्टॉप वाला जो यूनिट है उसको आपने 3 मिनट्स में स्किमिंग करना है आई थिंक 3 मिनट्स इज मोर देन इनफ उसको करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट यू विल डू नेक्स्ट ओके योर टाइम स्टार्ट्स नाउ स्टार्ट स्किमिंग
All right, class. I hope that you are done with the skimming thing. Yes? Yes. Okay, now, the next picture, the next screenshot, just look at that. You will find, what do you think? An exercise is there. Can you see? Yes, ma'am. Okay, now let's do the exercise. Okay, what do you think? Now here are some questions and you will have to find the answer to these questions from the text, but here you will do scanning. You will not skim. Now you will scan, means you will look for the particular information, which is like particular answer which has been asked in the exercise. Okay, so isko hum karte hain. Let's do the first part, that is first question, that is, does the headline suggest the railway road residents are in favor of, against, strongly against, or neutral towards the new traffic arrangements? What is your answer? Let me call out your names. Asfa Noreen, what do you think? Asfa Noreen. Ma'am, can you please repeat the question? Beta, the question is right in front of you. Just open the group. You will find the worksheet there. You will find that screenshot there. We are having questions from unit number one. And the first question is, does the headline suggest the railway road residents are in favor of, against, strongly against, or neutral towards the new traffic arrangements? What you will do is you will read the title, okay? Yes, ma'am. Okay, now. Yes, do it. Tell me. What does the title suggest? Title kya suggest kar raha hai? Title se aapko kya pata chal raha hai? Ke jo residents hain, ye log against hain ya favor mein hain ya strongly against hain ya neutral hain naye traffic arrangements ke? Ma'am, title se to hum yehi, main yehi kahungi ke ye residents ke against hai because they are protesting. Because they are protesting, that's why. So against hai ya dekhi favor of hai, against hai, strongly against or neutral towards hai. Aapne isse hi se batana hai, isme different options hai. Aap keh rahi hai ki sirf against hai? Yes, jaldi bataye. Ma'am, strongly against hai na, agar. Yes, they are strongly against the new traffic arrangements. Okay, they are strongly against that. Okay, fine. The next question is, does the first sentence of paragraph one suggest that the new arrangements have terrified, puzzled, or affected the residents? Now, what you will do is you will read the first sentence of the first paragraph and tell me that are the residents terrified, puzzled or affected? ठीक है, आपने ये बताना है कि ये जो residents हैं ये terrified है, puzzled है, या वो affected है, क्या है? Just read the first sentence of the first sentence of the first paragraph. Amna sir, what you will do this? जी आमना सरवत. जी आमना सरवत. मैम, आई थिंक ये टेरिफाइड है. Terrified, yes, turned our lives into a nightmare. Nightmare, जब आप आते हैं तो आप खौफज़दा हो जाते हैं. Nightmare, यानी डरावने ख्वाब आपको खौफज़दा कर देते हैं. तो the people are terrified, okay? They are terrified. वो वहशतज़दा है, दहशतज़दा है या खौफज़दा है, okay? Very good. Okay, third question is, what word in the last paragraph suggests the residents regard the situation as serious and requiring immediate action? Again, you will read the first paragraph. Let me see, which paragraph is this? Last paragraph, sorry. You will go to the last paragraph and look for a word. Ek word hai wahan par, ya wahan par kuch aisa hai, ek word hai which will suggest that residents regard the situation as serious and requiring immediate action.
यानी आप लास्ट पैराग्राफ को पढ़ेंगे और लास्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें आपने ये बताना है कि ये जो रेजिडेंट्स हैं वो इस सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो फौरी तौर पर कोई एक्शन चाहते हैं. एंड दिस विल बी आंसर्ड बाय दानिश एजाज. दानिश, रीड द लास्ट पैराग्राफ एंड टेल मी द वर्ड. ओके मैम. Be quick. इस वक्त emergency meeting का जिक्र है उसमें. So the word, just tell me the word, one word, okay, one word only. Emergency meeting. Emergency, yeah. Emergency. No, emergency. We want only a emergency. Word. That is emergency, okay. So emergency. Yes. ऐसी चीज है जिसमें हम फौरी तौर पर कोई हल चाहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज इमरजेंसी. वेरी गुड. द फोर्थ क्वेश्चन इज द सेकंड पैराग्राफ विल प्रोबेबली डिस्क्राइब ब्लैंक ट्रैफिक अरेंजमेंट्स. नाउ यू विल हैव टू लुक फॉर द आंसर फ्रॉम सेकंड पैराग्राफ इन द सेकंड पैराग्राफ. और आपने तीन ऑप्शन बताना है कि किस कौन सा ऑप्शन सही है. The new traffic arrangements, the old traffic arrangements, or the future traffic arrangements. ये मुझे बताएंगे. एक मिनट. फैजान अली, आपने ये बताना है कि ये जो ट्रैफिक अरेंजमेंट्स की बात हो रही है सेकंड पैराग्राफ में, इज इट अबाउट द ओल्ड ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स और फ्यूचर ट्रैफिक अरेंजमेंट्स. जस्ट गो थ्रू द सेकंड पैराग्राफ. ओके, यू विल डू स्कैनिंग. ओके, यस फैजान, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. एंड द फ्यूचर. Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, could you mute? 1 minute. आप वेट करें, मैम आ जाती हैं. Zen. ओके क्लास, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मेरी ये कनेक्शन का थोड़ा सा इशू हो गया था. ओके चले. ओके यस, आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन इज फैजान अली. यस फैजान. मैम ओल्ड ट्रैफिक अरेंजमेंट. ओके, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि अभी ओल्ड ट्रैफिक अरेंजमेंट की बात हो रही है. मैम पास्ट टेंस यूज हुआ है इसमें. Okay, okay, they are talking about a past event. Okay, that's good, Faizan. Yes, the second paragraph will describe the old traffic arrangements. Okay, very good. Okay, next question is, the third paragraph will probably describe dash traffic arrangements. Now we are talking about the third paragraph. Okay, I want Ashar Manzoor to read the third paragraph and tell me if the paragraph is about the new arrangements, the old arrangements, or the future arrangements. Yes, Ashar Manzoor. Ma'am, मुझे first, मेरी first class है आज, तो मुझे पहले कोई link नहीं available हुआ था ma'am. तो क्या हुआ? Ashar, तो क्या हुआ? Ma'am मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही है, आप कहाँ से वो करवा रही हैं? तो मैंने तो group में picture भेजी हुई है. मैं ग्रुप में भी थोड़ी देर पहले ऐड हूँ.
तो अशर मुझे एक बात बताएं, मैं आपको इससे पहले भी ईमेल कर चुकी हूँ, कल भी मैं ईमेल कर चुकी हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको ईमेल नहीं मिली. अशर आई एम टॉकिंग टू यू. मैं आपको इससे पहले भी ईमेल कर चुकी हूँ, यानी बहुत पहले भी मैं ईमेल कर चुकी हूँ आपको, और इसके बाद भी मैं आपको ईमेल कर चुकी हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको जो है वो लिंक नहीं मिला. ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात है ना मैम. आई थिंक इन्होंने जो है ना रात को जो मैं वो जो रात को मैंने मेल की थी ना, इन्होंने फिर वो उस लिंक से जो है ना रात को वो व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन किया है मेरे ख्याल से. अभी मैं ये कह रही हूँ, अशर कह रहे हैं कि इसको कोई लिंक मिली नहीं है, तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है. मैं तो लिंक मैंने फर्स्ट डे ही भेजा था, मुझे नहीं पता कि आपको लिंक नहीं मिली है. मैंने फर्स्ट डे को ही लिंक भेज दिया था आप लोगों को अशर, और मैंने बकायदा आपका नाम भी आ रहा है, मैंने आपको भी सेंड किया हुआ है. एनीवेज चले, मैं आज तो आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, चले कोई बात नहीं, आज तो आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन कल से आपने नेक्स्ट लेक्चर से आपने अटेंड किया. श्योर श्योर ओके यस. सो लेट मी कॉल फातिमा खान. यस फातिमा खान, फातिमा खान. यस मैम. जी फातिमा बेटा, रीड द थर्ड पैराग्राफ और एंड टेल मी कि जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें न्यू अरेंजमेंट्स की बात हो रही है या पुराने की बात हो रही है, फ्यूचर अरेंजमेंट्स की बात हो रही है. यस मैम, न्यू अरेंजमेंट्स की बात हो रही है. न्यू अरेंजमेंट की बात हो रही है, तो मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि न्यू की बात हो रही है. फातिमा आपको, आप मुझे बताएं कि आपको कैसे पता चला. उनके मैम वो उन्होंने बताया हुआ है कि वो रिवर्स डायरेक्शन में वो उसको किया उन्होंने. अच्छा चलो चलो ठीक है. ओके थैंक यू सो मच. ओके सिक्स्थ क्वेश्चन इज द फोर्थ पैराग्राफ विल प्रॉब्ली एक्सप्लेन. नाउ यू विल रीड द फोर्थ पैराग्राफ एंड यू विल सी एंड लुक फॉर अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन. यू आर गिवन थ्री ऑप्शंस, आपने बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है. इसको जरा गौर से पढ़ना है ठीक है. द फर्स्ट ऑप्शन इज व्हाई द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स वर मेड. यस आपने ये बताना है कि अच्छा ये जो सिक्स वाला क्वेश्चन है इसमें आपने ये बताना है कि फोर्थ पैराग्राफ किस चीज के बारे में है. पहला ऑप्शन है कि ये न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स क्यों बनाई गई, व्हाई द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स वर मेड. सेकंड ऑप्शन है व्हाट इज मेंट बाय ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक फ्लो का क्या मतलब है. थर्ड ऑप्शन है द एक्शन द अथॉरिटीज विल टेक टू डील विद द रेजिडेंट्स. अथॉरिटीज जो एक्शन लेंगे रेजिडेंट्स को डील करने के लिए उसके बारे में है. अब आपने जो पैराग्राफ नंबर फोर है उसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने मुझे आंसर देना है. ओके चलें मैं बुलाती हूँ हमना बाबर को. हमना बाबर. yes, हमना ma'am. बाबर जी बेटा, बेटा रीड द फोर्थ पैराग्राफ और मुझे बताएं कि इसका आंसर इन तीनों में से कौन सा है. मैम इसका मुझे लग रहा है कि वन वाला ए वाला व्हाई द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स वर मेड, क्योंकि वो इंप्रूव करने के लिए ट्रैफिक फ्लो को बनाए गए हैं. ये पूछा जा रहा है ना कि इसमें ये वो जो आप बता रही हैं, चले हो सकता है कि आपका सही भी हो, लेकिन इसमें ट्रैफिक फ्लो के बारे में बताया जा रहा है ठीक है. आप ये कह रही ना कि सिक्स वाले में ट्रैफिक फ्लो का मीनिंग बताया जा रहा है, आप ये कह रही है ना. मैम उसमें ये वो ए वाला ऑप्शन इसमें आ सकता है ना कि व्हाई द न्यू ट्रैफिक. देखिए आप श्योर हो कि बताएं, ये ना बताएं कि ये तुक्का ना लगाएं, फिर उसको कहेंगे नहीं नहीं मैम सी वाला आ सकता है, तो फिर तो तीनों आंसर आपने बता दिए. मैम नहीं ए वाला आ सकता है, मैं ए वाला कह रही हूं, मैंने ए बी और सी में बोला. अच्छा अच्छा ए वाला आप बता रही हैं, तो ए वाले में क्या बता रहे हैं.
मैम ये बता रही ना कि वाई द न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स आर मेड, वो यही इसमें स्पोक्स मैम बता रहा ना कि न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स इसीलिए बनाए गए ताकि वो इम्प्रूव कर सकें ट्रैफिक फ्लो को. ओके वेरी गुड, यस वेरी गुड, यू आर राइट. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट्स क्यों बनाए गए, ठीक है, क्यों किए गए. वेरी गुड, दैट्स करेक्ट. ओके देन यू हैव द सेवंथ क्वेश्चन. The fifth paragraph suggests that the authorities are blank a pedestrian crossing. और ये blank आपको दिया हुआ है. अब आपने देखना है कि इन तीनों में से कौन से जो है वो option सही है. Authorities are for a pedestrian crossing, undecided about a pedestrian crossing, or against a pedestrian crossing. तो फिफ्थ पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने बताना है कि अथॉरिटीज का एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के बारे में क्या मानना है. ठीक है, चलें इसके लिए हम बुलाते हैं मुकद्दस बीबी को. मुकद्दस बीबी, यस मुकद्दस बीबी, यस मैम. जी बेटा, बेटा रीड द फिफ्थ पैराग्राफ. यस मैम. मैम आई थिंक इसमें बी ऑप्शन आएगा, दे आर अनडिसाइडेड अबाउट पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग. बिकॉज मैम इसमें इस पैराग्राफ में ये है कि वो ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि इफ देयर आर सीम्स टू बी एनी नीड फॉर दिस क्रॉसिंग दे विल. वेरी गुड, यस. इन द फिफ्थ पैराग्राफ द अथॉरिटीज आर undecided about a pedestrian crossing. ठीक है, वो अभी श्योर नहीं है, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया हुआ. एक्सीलेंट, यस. एट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफन हैव टू मेक डिसीजंस दैट अफेक्ट पीपल्स लाइव्स. व्हाट कैन दे डू टू ट्राई टू मेक श्योर दैट द पीपल अफेक्टेड विल सपोर्ट देयर डिसीजन. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनके जो डिसीजंस हैं, डिसीजंस का बहुत, उनके फैसलों का बहुत असर होता है आवाम पर. तो वो ऐसा क्या करें कि जो लोग हैं, जो आवाम हैं, उनके इन फैसलों की को सपोर्ट करें, ऐसा क्या करें वो. कोई आपके पास सजेशन है? यस, ये आप में से कोई भी आंसर दे सकता है. वॉलंटियरली जस्ट रेज योर हैंड्स. यस ईमान. Ma'am, the government should first ask the authority, or we can say they can vote whenever they're taking any decision. So as authority, wherever the authority will vote for, it will be helpful for the government and for the people as well, residents as well. What authorities are you talking about, Iman? Because government itself is an authority. Government. Yeah, but the government has came because of the residents or the one who have voted for them. So if they would take it, before taking any decision, if they would ask the residents or the people about what do they want. Okay. So they, that okay. would help them. Okay, so that's your point. That's very good. Yes, Mahira. मैम इसमें हम ये भी तो ये लिख सकते हैं ना कि मैम अगर ये फॉर एग्जांपल हम इसमें रोड ट्रैफिक की अगर हम ये बात करें तो अगर इसी को लेकर चले तो मैम मतलब गवर्नमेंट को चाहिए ना मतलब जिनको इन्होंने आवाम ने इनको लेके आए होते हैं गवर्नमेंट में जो भी हो मतलब जिसकी भी हुकूमत हो फिर जब भी वो कोई चीज मतलब करे तो उसको चाहिए ना कि जो मतलब बेनिफिट हो अपने उसके आवाम के लिए उस हिसाब से करे ना मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल रोड ही बना रहा हो तो sometimes it happens that there are few decisions, कुछ decisions ऐसे होते हैं which are beneficial for the public, for the people. लेकिन कुछ लोगों को बड़ा ही जो है वो होता है कि मतलब कोई अच्छा काम भी अगर करना चाहे ना गवर्नमेंट तो उनको बड़ी जो है वो ना वो होती हो रही होती है तकलीफ हो रही होती है कि व्हाई दे आर डूइंग दिस बिकॉज इट इज अफेक्टिंग देयर लाइफ दैट्स व्हाई दे जस्ट गो एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट डिसीजन. जबकि वो डिसीजन जो है अगर देखा जाए तो आवाम के लिए बहुत अच्छा होता है लेकिन वो उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए उनके साथ मतलब कुछ ऐसा बताएं कि मतलब कि ये लोग भी सपोर्ट करें. शर्जील अहमद. यस मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अथॉरिटीज को ना डेफिनेटली पनिश करना पड़ता है आवाम को, उसके बगैर वो मानती नहीं है. फॉर एग्जांपल आप देख लें कि अभी मास्क वाला जो सीन चला हुआ है
तो मार्क्स तब तक वहां पहनती नहीं जब तक उनको आप जुर्माना कोई ना करो, तो पाकिस्तान में तो मैम पनिश करना पड़ेगा अथॉरिटीज को. Yes, you are very right. So it's a dilemma. ये हमारे पाकिस्तान में ये problem है क्योंकि people are not aware of the facts and they are not like aware of the thing के मतलब ये चीज़ हमें नुकसान पहुँचाएगी कि नहीं. बस यही बात है कि इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत से लोग इसके अगेंस्ट भी चले जाते हैं. तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए what steps should government take? Okay, मोहम्मद काशिफ, what is your opinion? मैम मेरे ओपिनियन के मुताबिक भी एक पनिशमेंट है और दूसरा कोई भी डिसीजन वगैरह लिया जा रहा है उसके पास्ट के अंदर जो हमारे पास हार्मलेस है वो हार्म है वो बताया जाए और फ्यूचर के अंदर उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो बताए जाएं. तो इस तरह से आवाम के अंदर जो अवेयरनेस होगी तो वो फिर बेहतर. यू मीन टू से दैट वी शुड टॉक, दे शुड टॉक टू द पीपल एंड दे शुड कन्विंस द पीपल फॉर दैट डिसीजन, देन आफ्टर दैट दे शुड टेक द डिसीजन. यस मैम, जिस तरह इसी चैप्टर में जिस तरह उन्होंने बताया कि रोड के लिए उन्होंने किस तरह मतलब अथॉरिटीज ने कन्विंस किया. ओके ओके, बेसिकली यही चीज गवर्नमेंट का देखिए. ओके, नूरुल हसनैन मिर्जा. यस मैम, मैम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को ये अवेयरनेस लानी चाहिए कि अगर किसी चीज़ के शॉर्ट टर्म उसमें अगर बेनिफिट्स नहीं आ रहे तो आप लॉन्ग टर्म देखें कि उसके कितने बेनिफिट्स आगे जाके आएंगे हमें. तो इस तरह से लोगों को कन्विंस किया जा सकता है और उनको मतलब बताया जा सकता है कि इस चीज़ का ये बेनिफिट. दे शुड टॉक अगेन, दे शुड टॉक टू द पीपल एंड कन्विंस द पीपल, राइट? यस मैम, यस. ओके, वेरी गुड. यस अनुषा निसार. मैम, जैसा कि अभी आपने भी अभी बात की कि हमारे मतलब मुल्क में कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जिसमें हमारी मतलब प्रोटेस्ट होते हैं और सब कुछ, तो आई थिंक हमारी जैसे कि हुकूमत है या तो खुद एक डिसीजन डिसाइड करती है और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है ऑन देयर ओन, और अगर मतलब अगर आवाम नहीं मानती तो वो प्रोटेस्ट करती है. मुझे लगता है कि इनको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हर काम करना चाहिए. जैसे कि इस चैप्टर में हम बात करें तो इसमें एक जगह पे बताया जा रहा है कि उनकी स्ट्रीट जो नॉर्थ स्ट्रीट है उसके अलावा जो उनकी पार्क स्ट्रीट्स हैं मतलब उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इस डिसीजन से. तो अगर गवर्नमेंट उसको उनकी स्ट्रीट्स को उनकी जो मतलब डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने के बजाय अगर ब्रिज रोड्स यूज करे या अंडरपास रोड्स यूज करे तो उससे उनके डिसीजन को भी एक मतलब इंप्लीमेंट हो सकता है, उसके साथ जो आवाम है उनकी भी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी. तो मेरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया जाए तो हर चीज का सोल्यूशन निकल सकता है. यस यस, वेरी गुड. यस, आप सब ने बहुत अच्छा जो है इसका रिस्पॉन्स दिया है जितने बच्चों ने अभी मुझे सजेशन दी. यस, गवर्नमेंट शुड टॉक टू द पीपल एंड टॉक टू देयर पीपल. डेफिनेटली हमने ही उनको वोट देकर जो है वो गवर्नमेंट में हम उनको लाए हैं. सो फर्स्ट दे शुड टॉक टू द पीपल एंड कन्विंस देम अबाउट अ डिसीजन इफ दे आर टेकिंग अ डिसीजन. प्रायर टू टेकिंग द डिसीजन जस्ट गो टू द पीपल एंड आस्क देम व्हाट दे वांट एंड व्हाट आर देयर कंसर्न्स अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसीजन. Then after listening to them, government can just convince them, persuade them and make them realize the perks and the benefits of that decision. ठीक है, फिर उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाए देन दे शुड जस्ट इम्प्लीमेंट दैट डिसीजन. इस तरह से जो है वो लोग, बहुत कम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएंगे. सो द की पॉइंट इज, द की थिंग इज, consult the people and talk to them about what they want and what are their concerns prior to taking a decision, right? Okay. Yes, question number 9, do you think Black Monday in paragraph 2 means the sky was black with thunder, the date on the calendar was black, or it was a day when something bad happened? Yes, Fiza Khan, what do you say? What does mean by Black Monday? Ma'am, it means that something bad happened. It means that it was a day when something bad happened. Yes, Black Monday ka matlab ye hai ki aisa din jis din ek bahut bura waqia hua. Very good. The C option is correct. 10th is, from your survey of the article, do you think the new traffic arrangements in the railway road area, first, are final and cannot be changed, B, may be changed in future, C, will definitely be changed? आपका क्या ख्याल है कि जो अरेंजमेंट जो किए हैं नए ट्रैफिक में, क्या ये फाइनल है और ये चेंज नहीं हो सकता, या ये कि फ्यूचर में कहीं चेंज भी हो सकता है, या ये कि नहीं वो जरूर चेंज होगा? कौन आंसर देगा?
मैम मी कोमल यस कोमल मेरा हैंड मैम आई थिंक मे बी चेंज इन द फ्यूचर बिकॉज उन्होंने कहा है क्योंकि वो मतलब है जो क्रॉसिंग के लिए जो है ना वो जेब्रा क्रॉसिंग के लिए कर रहे हैं ना डिमांड तो उन्होंने कहा था कि हम लोग कंसीडर करेंगे अगर जरूरत होगी तो फिर वो अगर उनको लगेगा कि ये मतलब टू वे रोड पे वो नहीं काम कर रहा तो फिर वो उसमें जो है वो जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो करेंगे तो वो देखेंगे उसके लिहाज से उसको चेंज कर सकते हैं हाँ यस yes. और अगर आप पैराग्राफ नंबर एक मिनट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ नंबर 6 को पढ़ें तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा एक स्पोक्समैन जो है जो अथॉरिटी है वो कह रहा है वी हैव नो सच प्लान्स एट प्रेजेंट हाउ एवर वी विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन केयरफुली इफ देयर सीम्स टू बी अ नीड फॉर सम फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग इट विल रिसीव सीरियस कंसिडरेशन ठीक है तो इट मीन्स के फ्यूचर में इट मे बी चेंज इट कैन बी चेंज इन फ्यूचर तो मतलब ये कि बी ऑप्शन सही है कि ये जो अरेंजमेंट सही बाद में फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं ठीक है ओके क्लास सो वी आर डन विद exercise and the activity I will upload the activity sorry I will upload the recording of this lecture on LMS do you have access to LMS class yes ma'am. I will upload the recording and the PPT slides of this lecture on LMS PPT slides में if you remember मैंने आप लोगों को अभी skimming और scanning का थोड़ा सा बताया है तो वो वहाँ पर होगा you can go to the LMS and check it out और recording भी आप check कर सकते हैं in case अगर आप में से कुछ लोगों ने इसको miss कर दिया हो या अगर आप लोगों ने आधा जो है वो lecture मेरा miss कर दिया हो ठीक है so आप LMS पे आप जाएं आपको course outline I hope that you must have received the course outline which I had sent to the CR and the GR आप लोगों को वो course outline मिल गया है class हेलो क्लास यस मैम यस आई यस द जीआर एंड द सीआर ऑफ द क्लास दे हैव शेयर्ड द कोर्स आउटलाइन इन द ग्रुप एंड आई वांट देम अगेन टू रीसेंड द कोर्स आउटलाइन इन द ग्रुप जैन और अनुषे आप में से कोई एक बच्चा जो है वो इनको दोबारा सेंड कर दे जो बच्चे जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है ना उनके लिए ये फिर फायदा हो जाएगा ठीक है ओके और ताकि वो बच्चे एक दफा कोर्स आउटलाइन को दे सकें अच्छा सेकंड थिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्स आउटलाइन इज जस्ट टू टेल यू व्हाट यू आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स जरूरी नहीं है कि आई विल कंडक्ट ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर मेंशन इन द कोर्स आउटलाइन मैं अपने तरीके से बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन एनवायरनमेंट एंड ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस आर गोइंग ऑन दैट्स व्हाई आई विल बी कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑन माय डिस्क्रिशन मैं अपनी मर्जी से और अपने वो जो मुझे एप्रोप्रिएट लगेगा जो सही लगेगा मैं उसको करूंगी तो कंटेंट्स एंड सिलेबस वुड बी द सेम बट माइट बी द एक्टिविटीज आर चेंज्ड एंड आपको लगे कि मैम ने जो है कोर्स आउटलाइन वाला एक्टिविटी नहीं करवाया हुआ अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इसलिए आपको बता रही हूं कि आपको पहले से बता दूं कि हो सकता है कि एक्टिविटीज मैं खुद से दूं जरूरी नहीं है कि वो वाले एक्टिविटीज हों जो कि कोर्स आउटलाइन में है क्योंकि वो लोग तो हम फिजिकल क्लासेस को देखकर ज्यादा रखा करते थे लेकिन अभी ऑनलाइन क्लासेस में हम टीचर्स देखते हैं कि क्या चीज़ बच्चों के लिए सही है और क्या चीज़ बच्चों के लिए सही नहीं है उस हिसाब से हम लोग सारा जो है वो देख रहे होते हैं ओके क्लास नाउ आई वॉन्ट यू टू अटेंड टू द रोल कॉल और उसके बाद आप जो है वो फ्री हो जाएंगे ओके कैन यू सी द स्क्रीन Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Ali Najam. Amna Sarwat. Present. Anmol Naeem. Anusha Nisar. Present, ma'am. Aksa Bhatt. Arij Manzoor. Asfa Noreen. Present, ma'am. Ashar Manzoor. Present. Asifa. Present. Aisha Ashraf. Present. Aisha Noor. Binish. Present, ma'am. Danish. Present, ma'am. Iman. Present, ma'am. Faizan. Yes, ma'am. Fajar Ali. Sorry, Fajar Amin. Present. Fatma Khan. Present. Fiza Khan. Present. Ghulam Nabi. Present, ma'am. Hamna Babar. Present, ma'am. Hamna Nayyar. Present, ma'am. Hiba Asif. Present. Huma Mumtaz. Present, ma'am. Komal Amin. Present, ma'am. Laiba Yusuf. Present, ma'am. Laiba Amjad.
Laiba Amjad. Linta Khawar. Present, ma'am. Maha Furqan. Yes, ma'am. Mahira Nasir. Nasir. Present, ma'am. Maliha Sami. Maliha Sami. Maryam Abdul Qadir. Present, ma'am. Maimuna Zahid. Ma'am, ye class mein thi, par abhi nahi hai, inka net ka issue hai, unhone mujhe message kiya tha. Okay. Mohammad Asjad Ali Pasha. Mohammad Hamza. Mohammad Hamza. Mohammad Kashif. Present, ma'am. Muqaddas Bibi. Muqaddas Bibi. Nida Hamid. Okay. Nida Hamid. Noor Fazal. Noor Fazal. Nurul Hasnain. Present, ma'am. Rimsha. Sadia Sarwat. Present, ma'am. Present, ma'am. Sajal Khan. Sameen Sadia. Present, ma'am. Sarah. Present, ma'am. Savera Shah. Present, ma'am. Shah Subhan Rafe. Present, ma'am. Sharjeel Ahmed. Present, ma'am. Saida Mahrukh. Present, ma'am. Uzma Javed. Present, ma'am. Verda Ali. Zain Asif. Yes, ma'am. And Zimal Rubab. Okay, class. Have a nice day. Aur dua mein yaad rakhiyega. Allah Hafiz. Okay, ma'am. Allah Hafiz.